फिर विवादों में सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, भोपाल के रेस्ट हाउस में कर्मचारी से बहस का वीडियो वायरल, थप्पड़ मारने का आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा एक बार फिर विवादों से घिरे हैं। इस बार राजधानी भोपाल में हुई एक घटना और उसके वायरल वीडियो ने उन्हें प्रदेश भर में सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि विधायक का कहना है कि जैसा दिखाया और बताया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। बताया जाता है कि विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का यह वीडियो राजधानी भोपाल के वीआईपी गेस्ट हाउस का है। विधायक गेस्ट हाउस में अपने कुछ परिचितों के साथ पहुंचे थे। यहां उन्होंने दो कमरे बुक कराए थे। इन्हीं कमरों को लेकर विवाद हो गया और विधायक नाराज हो गए। दरअसल सोशल मीडिया पर रविवार की रात वायरल हुए वीडियो में से एक में सतना से कांग्रेस के विधायक और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा एक कमरे के अंदर किसी को फटकार लगाते दिखाई सुनाई पड़ रहे हैं। दूसरे वीडियो में किसी रेस्ट हाउस का विजय यादव नाम का कर्मचारी अपने साथ हुई मारपीट की जानकारी देता नजर आ रहा है। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो तुम्हें छलनी कर देता। कर्मचारी विजय यादव ने आरोप लगाया कि विधायक ने उसे और कमरे खोलने को कहा, लेकिन जब उसने असमर्थता जता दी तो वे भड़क गए। विधायक ने 4-5 थप्पड़ मारे, मोबाइल छीना और ये धमकी भी दी कि अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अगर चुनाव और टिकट का दौर ना होता तो तुम्हें छलनी कर देता। विधायक का आरोप कमरे में शराब पिलवा रहा था अटेंडेंट। उधर इस मामले में सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का कहना है कि इस घटना को जिस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ। बकौल सिद्धार्थ, उन्होंने अपने परिजनों के लिए भोपाल में विधायक विश्राम गृह के पास वीआईपी गेस्ट हाउस में दो कमरे बुक कराए थे। गेस्ट वहां पहुंचे तो अटेंडेंट ने उन्हें कमरा नहीं दिया और एक घंटे से अधिक इंतजार करवाया। कुछ देर बाद विधायक जब खुद वहां पहुंचे और उन्हें मालूम हुआ तो वे कमरे में चले गए जहां कुछ लोग बैठे शराब पी रहे थे। विधायक ने इस पर अटेंडेंट को डांटा कि गेस्ट इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ आवंटित कमरे में बैठाकर शराब पिला रहे हो, इसकी शिकायत की जाएगी, तुम दूसरा कमरा ही दे देते। यह सुनकर अटेंडेंट तू तड़ाक करने लगा, जिस पर उसे डांटा। जो लोग वहाँ बैठकर शराब पी रहे थे उन्होंने नेतागिरी शुरू कर दी, कोई बहस करने लगा तो कोई वीडियो बनाने लगा। इसी बीच वहाँ रहे कुछ लोगों ने अटेंडेंट को धक्का दिया। ना तो किसी के साथ मारपीट हुई है, ना गाली गलौज हुई है। कर्मचारी विजय यादव की बदमाशी पकड़ी गई तो उसने ये सारा प्रपंच रचा है। रिवांचल एक्सप्रेस में महिला से अभद्रता का आरोप लगा था। आपको बता दें कि इसके पूर्व सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा पिछले वर्ष नगरी निकाय एवं पंचायत चुनाव के ठीक पहले 10 जुलाई को भी रिवांचल एक्सप्रेस में हुई महिला के साथ अभद्रता की एक घटना को लेकर सुर्खियों में छाए हुए थे। उस घटना में सिद्धार्थ के साथ कोतमा विधायक का नाम भी आया था। इस मामले में दोनों विधायकों के विरुद्ध जीआरपी में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। अब विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भी सिद्धार्थ का नाम विवादों से घिरा हुआ है। पूरा नाम विजय यादव नाम है और मैं यहाँ रेस्ट हाउस में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता हूँ। सिद्धार्थ कुशवाहा जी आए थे तो वो रूम के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बताया कि दो रूम अलाट हैं उनके नाम से, जो मैं पहले ही दे चुका हूँ। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला और रूम, तो सर मैंने कहा मैं नहीं दे सकता हूँ, सब ऊपर से रहता अधिकारी लोग देते हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ कोई भी रूम। फिर क्या हुआ? फिर वो बोलते हैं ऐसे कैसे नहीं दे सकता है। मैंने कहा सर मैं नहीं दे सकता, मेरे हाथ में नहीं, अधिकारी लोग करते हैं। तो इस बात पर उन्होंने फिर वो मेरे को तमाचा वमाचा मारने लगे और फिर उसके बाद मैं वो सीएन जब्ती करी और रूम में ले मारने की कोशिश करी। कितने झापड़ मारे तुमको? 4-5 मारे मुझे। कान झरना रहे? हाँ, कान में बहुत लगता है, ब्लड भी काफी लगा मेरे को, कान से ब्लड भी आया लगता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।